दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन का बटन। दोस्तों, अभी तक काफ़ी सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि कैसे यहाँ पर ई पास लें और एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जाएं, या फिर अपनी ड्यूटी के लिए जाएं, या फिर किसी इमरजेंसी काम के लिए जाएं, तो कैसे ऑनलाइन ई पास के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों, इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने इस वीडियो को बनाया है ताकि कोई भी लोग इस वीडियो को देख के अपना ई पास बना सके और आसानी से एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जा सकें। जी हाँ दोस्तों, अपने फ़ोन पे या फिर लैपटॉप पे अपने कोई भी ब्राउज़र पे जाइए, जैसे गूगल क्रोम या फिर अदर ब्राउज़र पे। उस पर जाकर आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि आप वीडियो पे देख पा रहे हैं। ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड आपको टाइप करना है और सर्च कर देना है। यहाँ पर गूगल पर साइट खुल जाएगी जो कि ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड करके आ रही है, edistrict.uk.gov.in, यही वाली साइट है दोस्तों। इतनी सारी साइटें खुल रही हैं, उसमें से सिर्फ यही वाली साइट पे आपको जाना है, edistrict.uk.gov.in। यह साइट खोलनी है आपने। जब यह साइट खुल रही होगी तो ऐसा कुछ आएगा, देखिए ऐसा वीडियो पे आप देख रहे हैं। यह साइट में काफ़ी सारे और चीज़ के लिए प्रमाण पत्र या फिर अलग चीज़ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैं ई पास के लिए बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऊपर से इसमें सिटीजन लॉगिन ई पास सर्विस फॉर कोविड-19 लॉकडाउन और डिपार्टमेंट लॉगिन ई पास सर्विस फॉर कोविड-19 लॉकडाउन, यह दो ऑप्शन दिखाई देंगे। इसमें से आपको सिटीजन लॉगिन वाला करना है, क्योंकि डिपार्टमेंट लॉगिन तो जो डिपार्टमेंट वाले हैं वही करेंगे। तो सिटीजन लॉगिन वाले पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ खुलेगा। देखो, फिल योर डिटेल, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है, ई पास इज बिगिन इश्यू फॉर दोज हु आर एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विस लाइक हेल्थ, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, शॉप, बैंकिंग, मीडिया पर्सन, अदर काइंड डू नॉट सबमिट दिस फॉर्म एक्सेप्ट इन मेडिकल इमरजेंसी, सबमिट वैलिडिटी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, अदरवाइज एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यही लोग इसमें अप्लाई करें, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोग, हेल्थ से जुड़े लोग हैं, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, शॉप, बैंकिंग, मीडिया, उन्हीं लोगों के लिए है, या फिर जो मेडिकल इमरजेंसी के लिए कहीं जाना चाहते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, उन लोगों के लिए है। मैं सबसे पहले स्टेट तो उत्तराखंड ही रहेगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट आप छाटेंगे। इतने सारे डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, इनमें से कोई भी एक छाटेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने नैनीताल छाँट लिया है, देखिए। उसके बाद पास सेलेक्ट पास कैटेगरी आ रहा है, उसमें आप जाएंगे तो दो तरीके का आपको यह ऑप्शन मिलेगा, इमरजेंसी सर्विस पास और एसेंशियल सर्विस पास। इमरजेंसी सेवा के लिए जो अप्लाई करेंगे तो इमरजेंसी मेडिकल वगैरह के लिए, वो इमरजेंसी वाले पे करेंगे, बाकी लोग एसेंशियल सर्विस पास के लिए करेंगे। तो अभी आपको एग्जांपल पे दिखा रहा हूँ, मैंने एसेंशियल सर्विस पास पे क्लिक करा। के बाद आपको यहाँ पर सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो सब कैटेगरी में ये दिया हुआ है कि क्या काम से आप जुड़े हुए हैं, जैसे एटीएम, बैंकिंग, डिलीवरी वर्क, वेजिटेबल वेंडर या गवर्नमेंट ऑफिशियल, हेल्थ वर्कर, आईटी, टेलीकम्युनिकेशन, इस तरीके से यहाँ पर है। अब आप जैसे मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग अपनी ड्यूटी जाने के लिए परेशान हो रहे हैं, तो उनके लिए ऑप्शन अदर आएगा इस पर। बाकी लोग अपने अपने काम के अनुसार यहाँ पर कैटेगरी छांट सकते हैं। फिर उसके बाद आपको अपना नेम भरना है। फिर जैसा कि आप यहाँ पर फॉर्म में देख रहे हैं, नेम है, मोबाइल नंबर है और एड्रेस है। अपना मोबाइल नंबर वही डालिए जो एक्टिवेट है अभी। और उसके बाद अपना एक कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर देना है, जैसे आधार तो सभी के पास होता है, तो मैंने देखे एग्जाम्पल, मैंने आधार छांट लिया वहाँ पर। उसका आईडी नंबर उसके बाद यहाँ पर डालना है, जो भी आपका आधार नंबर है 16 डिजिट, वह डाल देना है वहाँ पे। उसके बाद अटैच प्रोफाइल फ़ोटो बोल रहा है, तो मैक्सिमम अब 1 MB तक होनी चाहिए। तो अपनी कोई भी प्रोफाइल फ़ोटो डालनी है जो 1 MB के ही बराबर हो, JPEG फॉर्मेट में, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगी। फिर अटैच आईडी प्रूफ कह रहा है, तो एक आईडी प्रूफ भी लगानी है। जैसे आप आधार ही लगा रहे हैं तो आधार की फ़ोटो खींच के लगा दीजिए वहाँ पर, वो भी 1 MB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, JPEG फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद आपको रोड मैप के लिए बोल रहा है, तो रोड मैप
यह है जैसे आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है, जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे को मान लो अल्मोड़ा से रुद्रपुर जाना है तो मैं लिखूँगा अल्मोड़ा टू हल्द्वानी टू रुद्रपुर, ये मेरा रूट मैप रहेगा कि मैं हल्द्वानी होते हुए रुद्रपुर जाऊँगा। तो इस तरीके से आपको रूट मैप भरना है। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर मैं इस फॉर्म में कैसे भरा है, अल्मोड़ा टू हल्द्वानी टू रुद्रपुर, ये मेरा रूट रहेगा, रूट मैप हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे अटैच एप्लीकेशन वैलिड लाइक बिल्टी कॉपी ऑथराइज लेटर ETC, यह सब लिखा हुआ है। तो ये भी 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब कि कोई वैलिड प्रूफ होना चाहिए आपके पास। जैसे आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वहाँ का आपके पास पर्चा होना चाहिए जो कटवाया है, या फिर किसी डॉक्टर से आपने अपॉइंटमेंट लिया है तो वो होना चाहिए, या आपका जैसे सर्जरी है या कुछ है तो वो चीज़ होनी चाहिए आपके पास, मतलब एक प्रूफ होना चाहिए। या फिर जैसे आप अपनी कंपनी जा रहे हैं तो वो भी प्रूफ होना चाहिए, तो वो भी आपको डालना है, 1 MB से ऊपर नहीं होना चाहिए। उसका व्हीकल टाइप में 2 ऑप्शन आएंगे, 2-व्हीलर और 4-व्हीलर। तो जैसा मैंने देखा उसमें एक ऑप्शन छांट लेना है, मैंने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2-व्हीलर छांटा है। उसका व्हीकल नंबर है तो अपना व्हीकल नंबर डालेंगे, जैसे UK 04 या UK 06 या UK 07, जो भी आपका व्हीकल नंबर है। और फिर उसका डेट डालेंगे कि कब आपको जाना है करके, तो जैसे मैंने आज की डेट सेलेक्ट कर लिया है। और टू डेट, अब कौन सी डेट तक चाहिए, मान लो आपको कहीं इमरजेंसी में जाना है, जैसे मेडिकल सेवा के लिए या किसी और सेवा के लिए, या 2 दिन के लिए जाना है, 3 दिन के लिए जाना है, तो वो डेट आपको छांटनी है। उसके बाद रीज़न उस पर लिखना है कि आप क्यों जा रहे हैं, जैसे मान लो आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपकी कोई सर्जरी है, या फिर आपको कंपनी जाना है, तो वो आपको रीज़न डालना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मैंने एक मेडिकल के लिए डाला कि मेरे को हॉस्पिटल जाना है, इस तरीके से देखिए मैंने एग्जांपल जैसा दिया है वहाँ पे, ये मेडिकल इमरजेंसी करके मैंने एक डाल दिया, जैसे मान लो कोई बीमार हो गया अचानक से, उसको हॉस्पिटल जाना है तो मेडिकल इमरजेंसी डालेगा वहाँ पर। वैसे ही किसी की सर्जरी है तो वो दिखाएगा कि मेरी सर्जरी है, जैसे मैंने डाला कि मान लो किसी के स्टोमक में स्टोन है तो उसको सर्जरी के लिए जाना है, डेट मिली हुई है उसे, तो वो रीज़न डालेगा वहाँ पे। ऐसे ही आप भी अपना कोई भी रीज़न डाल सकते हैं, जैसे किसी को ड्यूटी जाना है तो वो डाल सकता है कि मेरे को ड्यूटी जाना है, इस तरीके से यहाँ पर भर देना है इसको। देखो जैसे मैंने डाला कि ट्रीटमेंट ऑफ स्टोमक स्टोन, इस तरीके से डाला है जैसे, भी ऐसी इसी तरीके से आप कोई भी रीज़न दे सकते हैं जिस चीज़ के लिए आपको जाना है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, आई हैव डिक्लेयर दैट अबव इंफॉर्मेशन इज ट्रू ऑफ द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, आई सेट कंपाइल विद प्रोविजन इन लॉ पनिशिंग इनकरेक्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन। तो यह नीचे एक डिक्लेरेशन डाल रखा है जिसको कि आप टिक कर लीजिए। इसमें यह लिखा हुआ है जैसे जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो बिल्कुल सही है और यह फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर ऐसा होता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो सकती है। तो इसको आपने देना है कि हाँ यह बिल्कुल सही जानकारी है। फिर इसी तरीके से आप इसको टिक करके गो पे नीचे क्लिक करेंगे, जैसे कि ऑप्शन में देख पा रहे हैं। गो करने के बाद आपको तुरंत यहाँ पर सबमिट का यहाँ पर दिखाएगा यह, और आपके नंबर पर जो एक्टिवेट नंबर जो आपने ऊपर नंबर डाला है उस पर मैसेज आ जाएगा कि आपका ई पास के लिए सबमिट हो गया है रिक्वेस्ट। और फिर उसके बाद चाहे 1 दिन या 2 दिन जो भी यह टाइम लेगा उसमें आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका ई पास रिन्यू हो गया है, आप ये नंबर है उससे भी चेक कर सकते हैं। नहीं तो जो आपको मैसेज आएगा तुरंत कि आपका यह रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका रजिस्टर कर लिया गया है ई पास के लिए, तो यहाँ पर ऊपर से क्लिक करेंगे वहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देने, देखिए अप्लाई फॉर ई पास और ट्रैक ई पास। आप ट्रैक ई पास पर जाके भी वहाँ पर अपना जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको यहाँ पर रेफर नंबर की जगह डाल के सर्च कर सकते हैं आपका स्टेटस कि आपका ई पास आपको लागू कर दिया गया है या नहीं करा है, या अभी मिला है या अभी पेंडिंग में चल रहा है, जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन खुलते हैं यहाँ पर ऊपर से ही, इस तरीके से आप अपना ई पास बना सकते हैं। दोस्तों मेरे ख्याल से यह जानकारी काफ़ी होगी आपके ई पास के लिए, तो जो लोग भी अपना ई पास बनाना चाह रहे थे वो घबराएं नहीं, ऑनलाइन ही 5 मिनट में इस वीडियो को देख के अपना ई पास बना सकते हैं। आप देखिए दोस्तों कैसे 2 यहाँ पर कैटेगरी खुल रही हैं, एक तो पहले फॉर्म का है, दूसरा ई पास का आपका देखने का है कि बना है या नहीं। दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर नहीं किया है तो तुरंत करिए और बेल आइकन का